कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और हरियाणा सरकार में ठन गई है। प्लेयर्स ने सम्मान समारोह का बहिष्कार करने की धमकी दी है। इसके चलते सम्मान समारोह रद्द कर दिया गया। मामला खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि है। हरियाणा के 22 पदक विजेता खिलाड़ियों में से 11 ने हरियाणा सरकार के पुरस्कार राशि वितरण संबंधी फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए होने वाले राज्य स्तरीय खिलाड़ी सम्मान समारोह का बहिष्कार करने की धमकी दी है। धमकी के बाद सरकार पहले तो इन खिलाड़ियों को मनाने का प्रयास करती रही, लेकिन खिलाड़ियों के अड़ियल रवैये को देखते हुए इस समारोह को ही रद्द करने का फैसला किया गया। यह सम्मान समारोह भविष्य में होगा या नहीं, इस बात पर भी पूरा संशय बना हुआ है। ये पुरस्कार वितरण समारोह 26 अप्रैल को पंचकुला में होने वाला था, जिसमें गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कॉमनवेल्थ और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि वितरित करने वाले थे।